वीडियो बना रहे हो? विदेश में थोड़ी नहीं भेज देना शंभुनाथ रे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे आज के इस न्यू व्लॉग में। तो मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट लवली नेगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग में कुछ बहुत ही खास और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं आ चुका हूं आज हरिद्वार। आप देख सकते हो ये पूरा हरिद्वार है। यहां देखिए आप, मेरे बैक साइड का व्यू कुछ इस तरह है। ये है बड़ा सा जिसके ऊपर अभी मैं खड़ा हूँ, तो आप देख सकते हो। आपके आपको मैं आगे और पीछे का थोड़ा व्यू दिखा दूंगा गंगा माँ का। बाकी ये पूरा हरिद्वार, बाकी यहाँ पे आप मेरे साथ आए हैं मेरे सब्सक्राइबर, आप देख सकते हो। Hello, friends. ये है मेरे सब्सक्राइबर। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर बताना चाहूँगा, आज का जो व्लॉग है बहुत ही स्पेशल और ख़ास होने वाला है। तो सबसे पहले, किसी भी मेरे फ्रेंड्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी लवली नेगी, सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस न्यू व्लॉग को। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो अभी मैं यहाँ पे हरिद्वार में ब्रिज के ऊपर हूँ, और यहाँ पे मेरे पीछे बह रही है गंगा माँ। तो फ्रेंड्स, और थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखिए। तो ये तो बहुत लंबा नहीं हो रहा, इसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं पता है आपको? बेनिफिट क्या क्या होते हैं, क्या बात है, इसके छुपा छुपा के खा रहे हैं आप। इसको क्या हाथ में मारते हैं? बताओ बताओ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जा रहे हैं यहाँ से हरकी पौड़ी। थोड़ा सा यहाँ पे पिंपल हो गया था, वो मैंने ठीक कर लिया है अभी, तो ब्लीडिंग हो रही है थोड़ी। ये है पूरा हरिद्वार, ये देख सकते हो मेरे पीछे का बहुत खास नज़ारा। ये देखिए, बाकी यहाँ पे बहुत सारे छोटी छोटी शॉप लेंगे, कुछ भी लेना हो, अगर आप कभी कोई भी फ्रेंड्स आ सकते हो यहाँ से कुछ भी ले सकते हो। जय शंभो वाला स्टाइल करो आप, शंभुनाथ रे, शंभुनाथ रे। ये छोटी सी किश्ती जो पानी में चल रही है, ये देखिए, ये देखिए आवाज सुन के तो ज्यादा तेज चल रही है ये, मोमबत्ती से चल रही है ये, देखिए चल रही है। बाकी यहाँ देख सकते हो, ये है नाग देवता। कितने का बताया? कितने का बताया? 50 का। ढूंढने के अंदर ये देखो, हाथ तो क्या है, हाथ तो लाओ की बता रहे हैं, हाँ लो भाई, नहीं कुछ नहीं होगा, हाथ तो लाओ, कुछ नहीं होगा जितने। अब सूंघने को बोलेंगे, सूंघो बस, सुनने दे तो उसकी पहली पहचान होती है कस्तूरी की, तो वही तो पता था उसके नादी में होता है। हाँ, इसको लाल इतना लाल कपड़ा ले लो, इसको रख दो चावल का दाना, तो लपेट के कपड़ों के अंदर रख दो, 5 मिनट में पूरा गोदाम में, बड़ा नहीं होगा गोदाम महकेगा। हाँ, खुशबू सुन लो कि दिल मीठा हो जाएगा, इतना गजब का खुशबू आएगा, कस्तूरी होता है मुझे पता है, ये रुद्राक्ष है, 5 भी होता है, 3 भी होता है, और है ना,
मैं वो बोल दूँ, ये क्या है, क्या हत्या जोड़ी है, क्या कर रही है, ये घर में रखी है भूत प्रेत के जादू टोने के लिए, कारोबार के लिए, घर परिवार के लिए, तुम रखते हो बता भी जादू टोना करते हो, हत्या जोड़ी है, इसको घर में रख दो, सिंदूर खाती है, सिंदूर में मोती होती है, बड़ी होती है, बड़ी होती है, सिंदूर में रखते हैं, सिंदूर में बड़ी होती है, सिंदूर खाती है, घर में भूत प्रेत की होती है, जादू टोने के लिए कारोबार भी होती है। अच्छा, मैं कहीं कोई जादू टोना करूँ तो ये तो हाथ वीडियो बना रहे हो, यार विदेश में थोड़ी नहीं बैठ देना, ये तीन साल पाँच मिनट में सर्दी निकल जाइए, सर्दी भाग जाएगी पाँच मिनट के अंदर अंदर। मास्क है आपका? ये पंद्रह मास्क लगा के पक्का होने लगाऊंगा। कहाँ आपको सर्दी कैसे, स्किन कैसे? इधर से कैसे ना, और बताओ, इधर से कैसे ना, और बताओ, लगा लूंगी सर्दी में, ऐसा ही मास्क लगाओ, मास्क लगाने में कोरोना लग गया। मास्क लगाने में कोरोना लगेगा दीदी, हम लोग मास्क नहीं लगा, ये देखिए चश्मा, गुड लुकिंग चश्मा, अस्सी के सौ के, ये स्टाइलिश चश्मे ये वाले, अगर आपको लेना चाह होगा तो ये देखिए, ये रेड वाले, ये वाले नहीं, हाँ इस टाइम गोल्ड टाइप में, ये देखिए हमारे ये बॉलीवुड की हीरोइन, इतनी बुरी भी नहीं लग रही होनी मैं, नहीं आप हीरोइन लग रहे हैं बॉलीवुड की, देख सकते हो यहाँ पे अभी हम चश्मा देख रहे हैं, फिलहाल चेक कर रहे हैं कोई अच्छा लगा था, सौ रुपया बारह आना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ भड़ास है, तो थोड़ा मैं अपना मास्क ऊपर कर लिया है मैंने, तो मैं थोड़ा आगे को चलता हूँ, ये क्या ये राम फल है, ये देखो कैसे दे रहे आप, देख सकते हो आप, ये है पूरी हर की पौड़ी का नज़ारा जो आप देख रहे हो, थोड़ा क्राउड ज़्यादा है यहाँ पे क्योंकि बहुत अलग अलग शहर से लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, तो बहुत ही शानदार नज़ारा, दो तीन बार लेके क्या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय टीका लगाने, ये देख सकते हो हम फिलहाल देख रहे थे लोटा। वैसे तो मैं हरिद्वार बहुत बीच बीच में आता ही रहता हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी इस ब्लॉग में मैं शेयर करूँ, तो फ्रेंड्स ये है पूरा हरिद्वार, ये देखिए, हेलो बॉस, हाय दांत देखो इसकी, हाय, तो फ्रेंड्स अभी हम जाएंगे स्नान करने, तो आइए चलिए बने रहिए ब्लॉग के आखिरी तक। हाय
कोई बात नहीं, चले रहो। हरिद्वार का खूबसूरत नज़ारा तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पिछली साइड देखिए फ्रेंड्स, ये है हर की पौड़ी, पूरी बैक का पूरा साइड हर की पौड़ी का ही है पूरा। सभी लोग बहुत सारे स्नान कर रहे हैं। बाकी आप देखो कहीं यहाँ पे, ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा मैं माउंट से पकड़ लूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी है गंगा माँ। तो मैं अभी ग्राउंड फ्लोर से थोड़ा ऊपर ब्रिज पे आ चुका हूँ, यानी पुल। तो आप देख सकते हो ऊपर आने के बाद यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। क्या खूब दिखता है, बहुत ही अच्छा नज़ारा हरिद्वार का। ये देखिए, तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हर की पौड़ी मेन, यहाँ पे हम स्नान करने वाले हैं। तो अभी मैं अंदर जा रहा हूँ स्नान करने, आप भी चलिए साथ, बने रहिए। ये देख सकते हैं पूरी मंदिर है यहाँ पे पीछे। तो आइए चलिए चलते हैं हर की पौड़ी और करते हैं स्नान। ये हमने जूते उतार दिए हैं बाहर, क्योंकि हर की पौड़ी में फिलहाल ये जूते ले जाना मना है। तो इसी के साथ थोड़ा आगे चलते हैं। ये देख लीजिए पूरी टाइलें लगी है यहाँ पे। तो हम जा रहे हैं मेन हर की पौड़ी स्नान के लिए। ये पूरा मंदिर यहाँ पे, भव्य मंदिर बहुत सारे। फ्रेंड्स आजकल वैसे बरसात का मौसम है, इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, तो नहाने में बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे देखिए मेरे पीछे, यहाँ हर की पौड़ी में जहाँ शाम और सुबह आरती होती है गंगा मैया की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे पंडित बैठे हैं जो पूजन का कार्य कर रहे हैं। अभी मैं थोड़ा हरिद्वार के हर की पौड़ी का व्यू लेने के लिए थोड़ा सा हाईएस्ट पॉइंट में जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के जाता हूँ, जहाँ से आपको मैं दिखाऊँगा हरिद्वार यानी हर की पौड़ी का सबसे बेस्ट व्यूज। देख सकते हो आप, मैं पहुँच गया हूँ यानी कि हरिद्वार के सबसे हाईएस्ट पॉइंट यानी कि सबसे ऊपरली स्तर पर, जहाँ से मैं आप सभी को दिखाऊँगा बहुत खूबसूरत नज़ारा। तो फ्रेंड्स बने रहिए आज के इस ब्लॉग पे और अंत तक। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो, ये है मेरे बैक साइड का पूरा व्यू हर की पौड़ी का। तो फ्रेंड्स देख सकते हो मैं पहुंच गया हूँ सबसे टॉप पे, जहाँ पे जहाँ से पूरा हर की पौड़ी का व्यू एकदम साफ और क्लियर दिख रहा होगा आप सभी को। यहाँ देखिए, ये मेरे पीछे है हर की पौड़ी का नज़ारा, जहाँ पे हज़ारों लोग इस टाइम स्नान कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ये है मेरे पीछे हर की पौड़ी का नज़ारा,
आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है पूरी हर की पौड़ी का खूबसूरत नज़ारा जिसमें हजारों लोग स्नान कर रहे हैं। फ्रेंड्स तो हम थोड़ा आगे चलते हैं नीचे यहाँ पे हर की पौड़ी की सीढ़ियों में और स्नान करते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, ये देख सकते हो हरिद्वार में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पसीना उतरने लगा है। बाकी है हमारी सब्सक्राइबर बहुत शांत बैठे हैं। ये है मेरा लुक आज का। यो हम पहुंच गए हैं मेन स्नान के लिए हर की पौड़ी। यहाँ पे ये देख सकते हो लोगों का स्नान, हजारों लोग स्नान कर रहे हैं। ये देख सकते हो हर की पौड़ी में यहाँ पर स्नान होता है, तो यहाँ पे हजारों लोग स्नान कर रहे हैं, तो हम भी तैयारी कर लेते हैं स्नान करने की। ये देखिए बाकी है मेरे पीछे का व्यू। गंगा जल यानी कि गंगा जल बहुत ठंडा है। गरम है काय का गरम है, आज ठंडा है पानी। आई अम्मा मेरे फ्रेंड्स मौजूद हैं आपके जो पीछे, लेकिन बहुत ठंडा है गंगा जल। अगर आपको भी कभी मौका लगे तो आप जरूर आइएगा हरिद्वार हर की पौड़ी में स्नान करके। मैं हर की पौड़ी में स्नान के लिए उतर गया हूँ नीचे, और फिलहाल अभी मैं गंगा जल में स्नान कर रहा हूँ। ये देख सकते हो जय गंगे गंगे। तो फ्रेंड्स पानी बहुत ठंडा है, बहुत ठंड में नहाने का बहुत मजा आ रहा है स्नान का। तो फ्रेंड्स देख सकते हो थोड़ा कम लगने लगा है ठंडा, पहले बहुत ज़्यादा ठंडा था पानी। तो फ्रेंड्स गंगा जल में स्नान करने का मजा भी कुछ गया है। फ्रेंड्स एक बार अगर आप सभी का मौका लगेगा तो जरूर एक बार आइएगा हरिद्वार, बहुत अच्छी जगह है, घूमने के लिए भी अच्छी है। हर की पौड़ी जहाँ पे स्नान आप देख सकते हो, अगर इस वक्त मेरा फोन पानी में टूट गया था तो बहुत ही बुरी बात होगी मेरे लिए। फ्रेंड्स मैंने बहुत कष्ट पकड़ रखा है, ये देख सकते हो फ्रेंड्स।
और यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर अभी गुप्पू मारेंगे, देख लेंगे कहाँ से पकड़ लिया मैंने इनको। ये डुबकी लगी पहली, तीन डुबकी, ये देखिए चलिए दूसरी। ओ जय गंगे हर गंगे। अब आज आठ की डुबकी ये लगाएंगे, बाकी अब थोड़ा कम ठंडा लगने लगा है। तो फ्रेंड्स, गंगा जल में नहाने का बहुत मज़ा आ रहा है, आनंद के साथ, आनंद के साथ। अभी तो धूप भी लगी है, बहुत आनंद। हरिद्वार में हरिद्वार की पौड़ी का नज़ारा। मैंने कर लिया है स्नान, तो फिलहाल मैं अभी बैठा हूँ, थोड़ा शांति से बैठा हूँ। अभी तक बहुत मस्ती कर ली मैंने गंगा जल में, तो अभी चेंज करना बाकी है। अभी और स्नान करने का मन कर रहा है और टाइम कम है, घर भी जाना है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने स्नान कर लिया है, बाकी आप देख सकते हो सभी लोग स्नान कर रहे हैं अब फिलहाल, और थोड़ा घूमने का मन कर रहा है। स्नान तो हो ही गया है, थोड़ा मैं थोड़ा चेंज कर लूँ, उसके बाद चलते और थोड़ा आगे। तो मैंने चेंज कर लिया है और फिर से मैं अपने लुक में आ गया हूँ, तो हम फिर बाहर की ओर जा रहे हैं हरकी पौड़ी से। तो चलिए थोड़ा बाहर जाते हैं, चप्पल वगैरह पहन लेते हैं। चप्पल मिलेगी कि नहीं मिलेगी फिलहाल ये पता नहीं है, चप्पल या फिर चप्पल मिले या ना मिले इसका कुछ भरोसा है नहीं। फिलहाल आगे चल ही लेते हैं बाहर की ओर। लोटर यानी चप्पल बाहर छोड़ कर आया हूँ, पता नहीं है कि या वो मिलेगी या ना मिलेगी। वैसे तो मुझे पता है वहीं पर होगी जहाँ पर रखी थी, तो बाकी हम चल ही रहे ये देख सकते। तो चलते हैं बाहर और ढूंढते अपनी चप्पल, क्योंकि ऐसे ही छोड़ कर आए थे हम बाहर। तो चलिए, ये देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे अलग अलग अपनी जगह पर पंडित जी बैठे हुए हैं और 7 बजे की आरती है यहाँ पर। जूते चप्पल फिलहाल सुरक्षित है, आप देख सकते हो यहाँ पे रख के चला गया था मैं। चलिए और थोड़ा आगे चलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ नया दिखाने की कोशिश करूँगा मैं आपको सभी को। तो फ्रेंड्स, फिलहाल यहाँ पे हरकी पौड़ी पे 7 बजे की आरती है, जिसमें मैं आप सभी को दिखाऊँगा हरिद्वार में होने वाली महा सबसे बड़ी पूजा, यानी कि आरती जो होती है गंगा माँ की आरती होगी, गंगा मैया की। तो फ्रेंड्स, गंगा मैया की आरती होगी 7 बजे, तो अभी फ़िलहाल 6:30 साढ़े 5 के लगभग है, तो शाम का वक्त है, थोड़ी देर और घूम फिर लेते हैं फ्रेंड्स। हेलो,
ये देखिए फैंस, ये है हरिद्वार का क्लॉक टावर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हरिद्वार का क्लॉक टावर। और ये देख सकते हो आप, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, ये पीछे है मेरे, जो पीछे दिख रहा है हरिद्वार का क्लॉक टावर। तो आप बाकी देख ही चुके हो अभी तक, लेकिन मैं अगर हम हरिद्वार आए और बोले शिव शंकर के दर्शन ना करें आप, हम ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर खासकर मैं बोले शिव शंकर के दर्शन करने जा रहे हैं हम, आप देख सकते हो पिछली साइड मेरे जय बोले शिव शंकर, बोले शंकर की बहुत बड़ी मूर्ति है। तो हम बोले शिव शंकर महादेव भोले भंडारी भी दर्शन करेंगे अभी। मेरे पीछे छोटी छोटी दुकानें लगी हैं जहाँ पर पूजा का सामान और थोड़ा बहुत सजने संवरने का सामान भी है। खासकर बड़े ही शौक के साथ हम जा रहे हैं शिव शंकर की ओर। जय शिव शंभो, शिव शंकर महादेव के दर्शन के लिए। तो चलते रहिए अपने साथ साथ, आप सभी को भी हम महादेव के दर्शन कराएंगे। तो ब्रदर, जय बजरंगबली। इस टाइम मैं हूँ विवेकानंद पार्क में, यहाँ पर हरिद्वार, जहाँ पर बोले शिव शंकर की बहुत बड़ी मूर्ति है। फाइनली हम बोले शिव शंकर के दर्शन के लिए यहाँ पहुँच ही गए। आप देख सकते हो मेरे पीछे भोलेनाथ भोले भंडारी यानी कि महादेव जी की इतनी बड़ी मूर्ति लगी है। तो नज़दीक चल के आपको दर्शन कराते हैं, साथ ही खुद भी दर्शन करेंगे। तो चलिए, बोले शिव शंकर के दर्शन हो गए हैं और फिलहाल मैं बैठ गया हूँ पार्क में। और यहाँ पे मेरा दोस्त पीछे देख सकते हो आप, आज के व्लॉग का यही है शैतान। हेलो बॉस। तो फ्रेंड्स, बोले शंकर के दर्शन के बाद मुझे तो बहुत शांति मिली है। जय बोले शिव शंकर, यही है सारे पालनहार। महादेवा तेरा डमरो डम 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 बजता जायो रे ओ, ओ मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। जय शिव शंभू, जय महादेव। ये लिमका। तो एक बार फिर हम बोले शिव शंकर के दर्शन करके फिर से हर की पौड़ी की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हमें अभी आरती में भी शामिल होना है। ये है कोकोनट बिस्किट। ये बिस्किट खा लेते हैं हम, घर पहुँचते तक इसी से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि बाहर का खाना मना है। आगे बनी रहिए इस व्लॉग में, बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है थोड़ी सी देर होती है मेरे व्लॉग को आने में, बट कुछ नया ज़रूर होता है। ठंडा ठंडा यहाँ पे, कूल कूल। फ्रेंड्स, गंगा मैया की आरती शुरू हो गई है। हेलो, फिलहाल हम थोड़ा लेट पहुँचे हैं, तो उस वजह से बाहर हो गया है गेट से। तो मुझे लगता नहीं शहर में आप सभी को गंगा मैया की आरती दिखा पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे बीच पहाड़ों बीच पहाड़। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो आप, यहाँ पे आरती का माहौल बना है। और बाकी मैं मास्क कर लेता हूँ और सभी यहाँ पे गंगा की आरती लगी है। बाकी आगे देख सकते हो आप, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं
बाकी जो आरती होगी मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ जो आरती होती है यहाँ नहीं होती है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो आप, यहाँ पे जो गंगा मैया की आरती होगी जो वो होगी क्लॉक टावर के पास जो आगे देख रहे हो आप। तो फिलहाल अभी यहाँ पे गेट बंद कर दिया गया है पुलिस प्रशासन द्वारा, क्योंकि कोविड महामारी का डर थोड़ा बढ़ गया है इन्हें लगता है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो भीड़ थोड़ी बढ़ गई है, पर मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई कोविड नहीं हो सकता किसी को। एक बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, थोड़ा सा हम लेट हो गए उसकी वजह से मैं आप सभी को गंगा मैया की आरती नहीं दिखा पाया। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं हरिद्वार आऊँ तो टाइम से आप सभी को गंगा मैया की आरती दिखा दूँगा, क्योंकि बहुत स्पेशल होती है आरती यहाँ पे। बाकी आप देख सकते हो कोविड अंदर नहीं हो रहा है, कोविड हो रहा है जो मेरे पीछे है। तो आप सभी को मैं दिखाना चाहूँगा भीड़ यहाँ पर दिख रही है, जितने भी लोग कवर एक बार में कर दूँ। ये देख सकते हो मेरे पीछे का व्यू, इसमें कम से कम 500 से 800 के लगभग लोग बैठे हैं और अगले वाले बाकी अंदर। अभी गंगा मैया की आरती चल रही है और हम भी आरती में शामिल हो जाते हैं सब लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स आप सभी को मैं सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि मैं आरती नहीं दिखा पाया अंदर सामने से। जय गंगा भैया, जय गंगा भैया। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आरती शुरू हो गई है। चाहता हूँ कि गेट खोल दिया जाए और आप सभी को मैं अंदर लेकर चलूँ, बट ये गेट खोलने का नाम ले रहे हैं। ये देख सकते पीछे तो फ्रेंड्स देख सकते हो हमें छोड़ दिया गया है, ये है पीछे की भीड़ और हम आगे जा रहे हैं आरती के लिए। देख सकते हो मैं अंदर आ गया हूँ तो आरती तो थोड़े के लिए रह गई, बाकी ये देख सकते हो आरती का ये माहौल है अंदर का। बाकी भजन का आपने सुन लिया था, बाकी ये बहुत सारी ज्योति चल रही है आप देख सकते हो यहाँ पे आरती होती पीछे। और हम वापस जा रहे हैं घर। तो फ्रेंड्स एक बात बता दूं, आपको मैं मिलूंगा एक न्यू व्लॉग के साथ बहुत जल्द। मुझे दोगे 10 रुपये आप? हैं 10 रुपये दोगे आप? होगा आपके पास कितने पैसे? मुझे दे दो यार 10 रुपये। एक भी नहीं है? मैंने ऐसा हो नहीं सकता। कितने रुपए है? 1000 रुपये ना है? तो बने रहेगा मेरे यूट्यूब चैनल लवली नेगी पर, और साथ ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑल। ओके बाय बाय।